बागमारा का रघुनाथपुर पंचायत, जहां फिर से एक बार भ्रष्टाचार का नमूना देखने को मिल रहा है। रघुनाथपुर का प्राथमिक विद्यालय का किचन शेड जो निर्माण होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। किचन शेड के निर्माण के लिए प्रातकालिक राशि 1,07,000 रुपये में 50,000 की राशि की निकासी लगभग 6 महीने पहले की हो गई है, पर निर्माण अब तक आरंभ ही नहीं हुआ। निर्माण कार्य के नाम पर विद्यालय परिसर में कई गड्ढे किए गए, जो विद्यालय के बच्चों के लिए मौत को आमंत्रण देने के बराबर है। वहीं पैसे के निकासी के बाद 6 महीने बीत जाने पर आपत्ति जताते हुए विद्यालय समिति के अध्यक्ष खेदन ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि पैसे की निकासी मेरे और विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीता शर्मा के द्वारा की गई है, पर निकासी की गई 50,000 की राशि प्रधानाध्यापिका के पास है। कार्य शुरू करने के दौरान किए गड्ढे तो किए गए, साथ ही मजदूरी के भुगतान के लिए जब पैसे मांगे गए तो प्रधानाध्यापिका ने टालमटोल करना शुरू कर दिया और आज तक पैसे नहीं दिए। किचन सेट के सर जब गड्ढा खोद रहा था तो पैसा लेके निकाले निकाले, उसके बाद मैडम ने कि पैसा चल गया, कल बोला कल से कम चालू करेंगे, तो नहीं किया। हम डेली बोलते थे सर कल चालू कीजिए, हाँ करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करते 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 दो दिन हो गया। गाँव वाला भी बोले, हमारे नेबर सब सबको बोले, वार्ड के बोले, मुखिया भी और सर के भी बोले। कितना का निकासी हुआ है? 50,000 का। तो अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा? हाँ मैडम का उस पैसा बोलते हैं तो बोला घुमा देंगे पैसा, नहीं होगा इतना पैसा में, फिर बोलता कभी करेंगे कभी घुमा देंगे। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ दी? डी ओ सर को बोले थे, वार्ड को बोले थे, हमारे मेम्बर इतना स्कूल सर को बोले थे और मुखिया को भी बोले थे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ? हाँ हुआ सर। एक तरफ जहाँ किचन शेड का निर्माण लंबे समय से रुका हुआ है, वहीं दूसरी ओर पैसे की निकासी में अध्यक्ष की सहमति अध्यक्ष खेदन ठाकुर के लिए गले की हड्डी बन गई है। किचन सेट का जो निर्माण होना था अभी तक नहीं हो पाया, क्या कुछ? मेरा विद्यालय एक शिक्षकीय विद्यालय है और मैं एक महिला होते हुए मुझे एक विद्यालय को चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। जब एक शिक्षक आ जाएंगे, आने वाले हैं, जब एक शिक्षक आ जाएंगे तब यह किचन सेट का निर्माण हो जाएगा। कुछ पैसे की भी निकासी हुई? पैसे की निकासी 50,000 हुई है, जो मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है, और जब किचन सेट का निर्माण होगा तो उस पैसे को उसमें लगा दिया जाएगा। वहीं पूरे प्रकरण में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि निर्माण कार्य को लेकर राशि की निकासी के बाद कार्य शुरू करने के लिए हमने प्रधानाध्यापिका के आग्रह पर निर्माण सामग्री तो उपलब्ध करा दिया था, पर सामग्री के लिए भुगतान नहीं होने पर मजबूरन दुकानदार ने सामग्री वापस ले ली। इससे साफ जाहिर होता है कि निर्माण कार्य के लिए निकासी की गई 50,000 रुपए जो प्रधानाध्यापिका के पास जमा है उसका गबन कर लिया गया है। इसको प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुर का जो अध्यक्ष है खेदन ठाकुर, उसने एक दिन बताया कि हम लोग दोनों मिलके किचन सेट का पैसा निकासी किए हैं। जो निकासी किए जो पैसा यहाँ का जो स्कूल का मैडम है वह उन्हीं के पास रखा हुआ है, उनका आदेश से हमको बोला गया था कि ये ऐटा गिराइए, बालू गिराइए, गिट्टी गिराइए, तो हम गिरा दिए उधारी पे। जिसके बाद पैसा मांगने के लिए बात आया कि पैसा मांग रहे थे मैडम से, मैडम देने में आनाकानी कर दिया, जिस कारण से किचन का जो मटेरियल था वह हमने आपस कर दिया, जिस दुकान से लिए थे उसको आपस कर दिया। बाकी रह गया गड्ढा, वो गड्ढा तो छूट गया है और पैसा मैडम के पास है, ये सूचना दिया गया था अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्ष द्वारा दिया गया, जिसमें हम लोग ने बीओ जो है हमारा यहाँ पासवान जी, उनसे हम फोन से कांटेक्ट किए कि सर इस तरह का बात है,
हाँ तो बोल रहा है कि नहीं सो हम अपना स्तर से देख लेंगे मुखिया जी, आपको कोई तरह का आप कानून अपना हाथ में मत लीजिएगा, इस तरह का हमको मतलब समझाया आप छोड़ दे। उसके बाद नहीं सुना सुबह सीआरपी जो होता है स्कूल में वो आया, तो उनसे भी हम बात किए कि इस तरह स्कूल में बात है, तो बोले ठीक है हम जाके देख लेंगे, आप कोई तरह का दिक्कत होगा हम संशोधन कर देंगे। उसके बाद से आज तक कोई तरह का उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया गया। लगभग 6 महीना पहले से 50,000 की निकासी है। हाँ 50,000 निकासी किया है। उसके बाद मैडम से आज तक दर्शन हुआ, मैडम पहले मुखिया के यहाँ आती थी और छुट्टी लेके जाती थी, अब तो 1 साल से वो छुट्टी लेती है ना स्कूल आती है, अब क्या इसका मामला है वो तो स्कूल का बी ओ जाने कि छुट्टी लेने का अधिकार अगर मुखिया से खत्म हो गया है तो ठीक है, अगर मुखिया के द्वारा छुट्टी लिया जाता है तो छुट्टी लिया नहीं है, स्कूल में 1 महीना 15 दिन एब्सेंट है। हालांकि इस मामले में प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी भी माकूल जवाब देने में असमर्थ हैं। बहरहाल सरकारी इस योजना में राशि का बंदरबांट हो जाना लगभग पूरी तरह तय हो चुका है। अब देखना यह है कि किचन शेड के निर्माण कार्य में देरी को लेकर विभाग क्या और किस पर कार्रवाई करती है।